हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे टाइटेनियम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का, ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग एक नया चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले, उसका क्या नाम है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है और बहुत डिटेल के साथ मैं पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। और ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बच्चा कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट UG या फिर कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट इंट्रेंस टेस्ट PG का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आपका GK GS का पोर्शन है, तो आप इस वीडियो का बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। और इस वीडियो को इतना सिस्टमैटिक वे में बनाया गया है, इस लेक्चर को इतना सिस्टमैटिक वे में बनाया गया है कि जितने भी बेकार की बातें हिस्ट्री में होती है वो नहीं हम लोग किए हैं, जितने टू द पॉइंट अगर आप देख सकते हैं, पिछले वीडियोस को भी हमने अपने देखा होगा, तो एकदम टू द पॉइंट जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को लाने की कोशिश किया हूं, और एक अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया हूं, एक पेड कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट में देने की कोशिश किया हूं और अपने तरीके से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश किया हूं। तो वीडियो को पूरा देखना है, सिस्टमैटिक वे में देखना है, और बहुत कम समय में हम लोग पूरे हिस्ट्री, पूरे ज्योग्राफी, पूरे इकोनॉमिक्स, इवन एवरीथिंग स्टैटिक्स, GK और करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। मैथ्स की क्लास भी आपका चल रहा है और धीरे धीरे हम लोग कोशिश है कि सारे सब्जेक्ट की क्लास अपडेट कर दिए जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कुछ सामान्य जानकारियां, जिसमें पहला पॉइंट है द अर्बन प्रोटो हिस्टोरिक एंड ब्रॉन्ज एज सिविलाइज्ड डेवलप्ड बिटवीन 2400 एंड 700 BC। पहले तो आपको ये जान के रखना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो 2400 BC टू 1700 BC के आसपास है। कहीं कहीं आपको 1750 भी दे दिया जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो 2400 से 1700 बीसी के आसपास का है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आप यहां पर देख रहे हैं कि ये है अर्बन, ठीक है। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है एक अर्बन सिविलाइजेशन है। अर्बन का मतलब क्या होता है, नगरीय, यानी कि एक रूरल नहीं है बल्कि एक अर्बन सिविलाइजेशन था। उसके बाद आप देख रहे हैं प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक का ये मतलब होता है कि ऐसे सिविलाइजेशन जहां पर हमको रिटेन एविडेंस तो मिले हैं लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं, उनके लैंग्वेजेस को समझ नहीं पाए कि आखिर उन्होंने लिखा क्या है। और उसके बाद है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का ये मतलब होता है कि उसी समय ब्रॉन्ज का खुदाई में ये मिला था या फिर इसका आविष्कार हुआ था या फिर इसका प्रॉपर वे में सबसे ज्यादा यूज उसी समय हुआ था, इसलिए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस भी कहा जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को या तो अर्बन, प्रोटो हिस्टोरिक और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस के नाम से जाना जाता है, जिसका टाइम पीरियड है 2400 एंड 1700 BC। अगला जो पॉइंट है, इसके प्राइमरी रेजिडेंट कौन है, यहां पे रहते कौन थे। तो बेसिक तौर पे ये लोग जो रहते थे उनका नाम था द्रविडियन और मेडिटेरेनियन। अब द्रविडियन क्या होते हैं और मेडिटेरेनियन क्या होते हैं, उतना हम लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है। अगर उतना डिटेल में मैं आपको बताने चला गया तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आप PCS का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा कि प्राइमरी रेजिडेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन थे, तो आपको आंसर देना है या फिर द्रविडियन या फिर मेडिटेरेनियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करेंगे। अब जैसे कि आपको बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसमें अलग अलग साइट्स हुए हैं, यानी अलग अलग खुदाई हुए, अलग अलग जगह हुए, तो उसमें अलग अलग जगह मिले हैं, उसी में एक हड़प्पा जगह भी मिला है। और आपको एक चीज और बता दूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो पहले साइट्स की, यानी पहले शहर की जो खोज हुई थी उसका नाम हड़प्पा था। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, हड़प्पा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है, जैसे मोहनजोदाड़ो है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, सेम उसी तरह हड़प्पा भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या है, एक पार्ट है। इसमें हम लोग पहला पॉइंट्स देखने वाले हैं कि इसकी जो खोज किए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी, 1921 में। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी खोज की गई थी हड़प्पा
जो है वो रावी नदी के तट पर है। डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा ऑन द बैंक्स ऑफ रावी इन 1921। तो यहां से क्वेश्चन आपको क्या बनेगा कि हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर इसकी खोज की गई थी। तो इस पूरे इंफॉर्मेशन से आपको क्या क्या बनेगा, पहला पॉइंट तो ये बना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है एक अर्बन प्रोटो हिस्टोरिक और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है जिसका टाइम पीरियड है 2400 टू 1700 बीसी और इसके प्राइमरी रेसिडेंट कौन है, द्रविडियन और मेडिटेरेनियन। और हड़प्पा की जो खोज किया गया था वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1921 में, और किस नदी के तट पर है, तो ये रावी नदी के तट पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस लेक्चर से आपको आंसर देने को मिलेगा। ऐसा कोई भी एग्जाम्स नहीं जहां पर हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाए, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाए और इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन ना पूछे। चलिए अब अगला पॉइंट्स की ओर चलते हैं। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा हड़प्पा के बारे में, तो उसी तरह एक मेजर साइट है जिसका क्या नाम है, उसका नाम है मोहनजोदाड़ो। क्या नाम है, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की खोज, ठीक है, मोहनजोदाड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज किया था। कब किया था, 1922 में, ठीक है, 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो का खोज किया था। और इस मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर है, तो इंडस यानी सिंधु नदी के तट पर है। तो यहां से क्वेश्चन आपको यह बनेगा, मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर है, इंडस नदी के तट पर है। इसकी खोजकर्ता कौन थे, राखलदास बनर्जी थे। और कब खोज किए थे, 1922 में किए थे। हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, तो जस्ट एक साल पहले 1921 में किया था। वो किस नदी के तट पर है, तो वो आपको बताना है रावी नदी के तट पर है। यहां तक सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, यहां तक हर एक पॉइंट्स मैं क्लियर करने की आपको कोशिश किया हूं, ठीक है। इसके बाद यहां पर एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास भारत में हो रहा था, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास भारत में हो रहा था, ठीक उसी समय ईरान में एक मेसोपोटामिया की सभ्यता भी विकसित हो रहा था। यानी कि जिस तरीके से भारत में इंडस वैली सिविलाइज हो रहे थे, एक सभ्यता के तौर पर आगे बढ़ रहा था, उसी समय ईरान में एक सभ्यता विकास कर रही थी जिसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता, और मिस्र में एक मिस्र की सभ्यता भी विकास कर रही थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ दो सिविलाइजेशन और भी विकास हो रही थी, एक तो ईरान में और दूसरा मिस्र में। ईरान में मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र में मिस्र की सभ्यता विकास हो रही थी। तो ये लोग आपस में क्या क्या करते थे, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थे और हड़प्पा वाले जो लोग थे, वो लोग दूसरे से व्यापार किया करते थे अच्छे खासे। उस समय भी व्यापार था, फॉरेन ट्रेड अच्छे खासे हुआ करते थे। तो जो मेसोपोटामिया वाले लोग हैं, ईरान वाले लोग हैं, वो लोग इसको किसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा के सबसे पुकारा करते थे। किस नाम से, मेलुहा के सबसे पुकारा करते थे। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यहां पर आपको ये पॉइंट को याद रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके एक्सपेंशन की, बात करेंगे एक्सपेंशन की, बात करेंगे कि इसके एक्सपेंशन कहां तक कैसे करके फैला हुआ है। तो हम लोग एक्सपेंशन कैसे पढ़ते हैं, तो उसके पहले तो उसके डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के चार डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग कौन कौन है। इंडस वैली सिविलाइजेशंस का जो पहला हम लोग बात करेंगे नॉर्थ में, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशंस का जो पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्थ में, नॉर्थ में क्या है, मांदा है। क्या है, मांदा। और ये मांदा कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर के चेनाब रिवर के तट पे। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंडस वैली सिविलाइजेशंस के नॉर्थ में कौन है, तो मांदा है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है और चेनाब रिवर के तट पर है। दूसरा हम लोग बात करेंगे साउथ में, साउथ में पड़ता है दाइमाबाद। क्या नाम है, दाइमाबाद। और ये कहां पर है, महाराष्ट्र में है। और ये किस रिवर के तट पर है, हिंडन रिवर के तट पर है। जो जो मैं आपको बता रहा हूं वो बिल्कुल आपको याद होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का अगर कोई भी पेपर आप पिछले ईयर्स का देखोगे, तो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशंस के क्वेश्चंस आए होंगे, इस वीडियो के देखने के बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, देखना कि जो मैं पढ़ाया हूं उससे क्वेश्चन आपके बन रहे कि नहीं बन रहे, जरूर बनेंगे। उसके बाद ईस्ट की ओर बात करेंगे, ईस्ट की ओर, तो ईस्ट में जो है वो है आलमगीरपुर। क्या है, आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहां पर है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, हिंडन रिवर के तट पे।
और ये जो रिवर जो बता रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद बच जाता है वेस्ट, वेस्ट में आपका है सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है और किस नदी के तट पर, किस रिवर के तट पे, दाशक रिवर के तट पे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नॉर्थ में मांडा है, साउथ में दाइमाबाद है, ईस्ट में आलमगीरपुर है और वेस्ट में सुतका गेंडोर है। मांडा जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान बलूचिस्तान में है। इसके बाद मांडा जो है चिनाब रिवर के तट पर है, आपको आलमगीरपुर हिंडन रिवर के तट पर है, आपको दाइमाबाद जो है, दाइमाबाद जो है यहां पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है, ये जो दाइमाबाद है ये दाइमाबाद हिंडन रिवर नहीं होगा, ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना, ठीक है, इसको चेंज कर लेना, ये गोदावरी रिवर के तट पर है। क्या होगा यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, इसको आप लोग गोदावरी मैनेज कर लेना, क्या कर लेना है, गोदावरी, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से। लिमिट नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो आपको इसको ठीक कर लेना है। ये जो है दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है वो किस नदी के तट पर है, गोदावरी नदी के तट पर है, और सुतका गेंडोर जो है वो बलूचिस्तान जो है वो दाशक नदी के तट पर है। इतना पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए किसमें, एक्सपेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस का। चलिए, अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को सभी लोग एक बार जरूर लाइक कर दीजिए और सभी लोग एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। हमारी मेहनत इतना है तो आपको थोड़ा सा मेहनत ये करना है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अदर्स ग्रुप में कहीं भी आप इसको भेज सकते हैं ताकि इस वीडियो का हेल्प ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच सके। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें इसके स्क्रिप्ट की बात करेंगे, ठीक है, इसका स्क्रिप्ट क्या था, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्टोरिक तो कहा गया है लेकिन वो लोग किस स्क्रिप्ट का यूज करते थे, तो ये लोग जो स्क्रिप्ट का यूज करते थे उसको हम लोग पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं। क्या नाम है उसका, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, जो राइट टू लेफ्ट में लिखा जाता है, जिसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, दिस इज अनरीडेबल और इसको प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड बोला जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रोटो हिस्टोरिक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को यूज किया जाता था, जो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। हम लोग अमूमन कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते थे, लेकिन वो लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे, अनरीडेबल था और प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड था। उसको प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड इसलिए कहा गया है क्योंकि उसको अभी तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो चीजें लिखे हुए थे उसको अभी तक हम लोग उसे डिकोड नहीं कर पाए हैं कि आखिर उसका मतलब क्या है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है और ये सभी बच्चे को ये चीज को याद होने चाहिए। बहुत ही मेहनत से इस पॉइंट को मैं लिखा हूं। देखो, इसमें आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला जो पॉइंट है वो आपको ईयर है, दूसरा है साइट्स है, तीसरा है लोकेशन है और चौथा है एक्सकेवेटेड वाई। तो पहला हम लोग बात करेंगे हड़प्पा के बारे में। देखो, अब इसमें मैं डेट सबका मेंशन नहीं किया हूं, इसलिए मेंशन नहीं किया हूं कि कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट एग्जाम के पर्पस से आपको डेट सिर्फ दो ही को याद रखना है, पहला है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा की जो खोज हुई थी 1921 में हुआ था, ठीक है, हड़प्पा की जो खोज हुआ था वो कब हुआ था, 1921 में, और मोहनजोदाड़ो की जो खोज हुई थी 1922 में। बस ये दो डेट्स को याद रखना है, मैं ज्यादा आपको डेट्स नहीं बता रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं आपको जो नोट्स दे रहा हूं काफी कंसाइज वे में टू द पॉइंट देने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी और हड़प्पा कहां पर है, रावी नदी, द बैंक्स ऑफ रावी, रावी नदी के तट पर है। कहां पर रावी नदी है, पाकिस्तान में, और इसकी जो खोज किए थे वो उसका नाम है दयाराम साहनी, ठीक है, क्या नाम है, दयाराम साहनी। दूसरा जो है मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो की जो खोज हुआ था 1922 में, और मोहनजोदाड़ो जो है वो कहां पर है, लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध ऑन द बैंक ऑफ इंडस, यानी कि ये
पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। कहां पर है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंध नदी के तट पर, ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस, इंडस नदी के तट पर, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर है, याद रखिएगा। लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस। तो पहला हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है और मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है, इंडस नदी के तट पर है। और इसकी जो खोज किए थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया हूं, इसकी जो खोज किए थे किसके द्वारा किया गया था, तो आरडी बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, वह है सुतका गेंडोर। क्या नाम है? सुतका गेंडोर, ठीक है। सुतका गेंडोर क्या है? सुतका गेंडोर कहां पर है? तो बलूचिस्तान में है। और ये किस नदी के तट पर है? तो ये दासक नदी के तट पर है, यह भी आपको याद होना चाहिए। और इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? स्टेन के द्वारा किया गया था, ठीक। उसके जो मैं बता रहा हूं रिवर्स तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने चाहिए। लोकेशन आपको, साइट्स और लोकेशन आपको याद होने चाहिए। और एक चीज और मैं बता दूं कि इसमें से अगर आप पूरा नहीं याद रख सकते हैं तो दो को जरूर याद रखना, पहला हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदाड़ो। किसकी खोज किसने किया था? हड़प्पा की खोज दयाराम सानी ने और मोहनजोदाड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। इसके अलावा आपको ये पूरे साइट्स याद होने चाहिए, पूरे लोकेशन से याद होने चाहिए। बाकी यहां से स्टेन से लेकर बिश तक आपको याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन शायद ये भी पूछ दे तो आपको यहां से भी तैयारी करके चलना चाहिए। सुतका गेंडोर जो है वो बलूचिस्तान के दासक नदी के तट पर है, इसकी खोज किए थे स्टेन के द्वारा। चन्हू दरो जो है वो सिंध नदी के, सिंध ऑन इंडस इंडस नदी के तट पर है, इसकी खोज किए थे गोपाल मजुमदार। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आमरी, आमरी भी बलूचिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर है, इसकी भी खोज गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया था। उसके बाद है कालीबंगन, कालीबंगन जो राजस्थान में है, घग्घर नदी के तट पर है और ये कहां पर है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कालीबंगन है, ठीक है, और घग्घर नदी के तट पर है। इसकी खोज किए थे आमलानंद घोष या फिर बीबी लाल, दोनों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन रहेगा। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कोई अमलानंद घोष बोलता है, कोई बीबी लाल होता है, दोनों में से एक ऑप्शन आपको मिलेंगे। दोनों में से जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसको आपको करके आना होगा। उसके बाद है लोथल, लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है, कहां पर है? गुजरात में। और इसका जो खोज किए थे आर राव, इनका जो पूरा नाम था रंगनाथ राव, इनका पूरा नाम था, ठीक है। उसके बाद है सुरकोटदा, सुरकोटदा कहां पर है? गुजरात में है और इसकी खोज किसने किया था? जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। बनावली, बनावली हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है और यह रंगोई रिवर के तट पर है और इसकी खोज किसने किया था? आर एस बिस्ट। और लास्ट है धौलावीरा, धौलावीरा कहां पर है? गुजरात में, और गुजरात में इसकी जो खोज किए थे वो आर एस बिस्ट के द्वारा किया गया था। तो ये पूरा चार्ट आपको एकदम बाय द टिप्स याद होने चाहिए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बनने की संभावना है। इसलिए मैं पूरे चार्ट को आपको देने की कोशिश किया हूं ताकि हर एक पॉइंट्स को आप इसे समझ सके। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहला हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे अर्बन कैरेक्टरिस्टिक यानी नगरीय विशेषता, अर्बन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस। इसमें जो पहला पॉइंट है सिटी बिल्ट ऑन ग्रिड सिस्टम, ठीक है, ये लोग जो लोग घर बनाते थे या फिर जो शहर बनाए थे वो ग्रिड सिस्टम पे था। ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है कि एक बिल्कुल स्टैंडर्ड रास्ता के तौर पर इसे फॉलो किया गया था, यानी कि एक इधर से रास्ता है और एक इधर से रास्ता है और दोनों रास्ता 90 डिग्री पे बना हुआ है, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है, और कुछ घर यहां पर है, 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 यानी कि बहुत स्ट्रीमलाइंड ग्रेड सिस्टम को उपयोग किया गया था ताकि रास्ता जो है प्रॉपर वे में मेंटेन किया जा सके। यानी आप समझ सकते हैं कि आज हमारे देश इतना विकास होने के बावजूद इस तरीके से ग्रिड सिस्टम को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर पा रही थी, और उस समय कई हजार वर्ष पहले भी हमारे देश में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी और इस तरह के ग्रिड सिस्टम का ये लोग यूज किया करते थे, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है ये लोग ड्रेनेज सिस्टम का भी प्रॉपर यूज करते थे, ठीक है, ये लोग वेल रन ड्रेनेज सिस्टम, ये लोग ड्रेनेज सिस्टम का भी काफी ज्यादा स्टैंडर्ड वे में यूज करते थे, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो वहां से किस तरह का एविडेंस मिले हैं, तो वहां पर देखा गया जो पानी का जो नाली होता है, पानी का जो नाली होता है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से निकालने की कोशिश किया गया है, ठीक है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से निकालने की कोशिश किया गया है।
ठीक है चलिए। इसके बाद हम लोग जो थर्ड पॉइंट हम लोग बात करेंगे, तीसरा जो बात करेंगे वो है यूज ऑफ बर्न क्ले ब्रिक्स एंड ऑर्नेट ब्रिक्स। ठीक है, क्या है यूज ऑफ बर्न क्ले ब्रिक्स एंड ऑर्नेट ब्रिक्स काली, ये कहां से मिला है, कालीबंगन से। ठीक है, तो पक्की और अलंकृत ईंटों का जो प्रयोग किया गया था उस समय में इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग के द्वारा, और इसका जो एविडेंस कहां से मिला है, तो इसका एविडेंस मिला है कालीबंगन से। इस पॉइंट्स को भी आपको समझ के चलना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया कि वो लोग ग्रिड सिस्टम का यूज किए थे, दूसरा पॉइंट हो गया लोग ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉपर वे में यूज किया करते थे, और तीसरा जो ही है कि वहां के जो घर बनते थे वो ब्रिक्स से बनते थे, और सिर्फ ब्रिक्स से नहीं लेकिन उस ब्रिक्स पर अलग अलग डिजाइन हुआ करते थे। उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इतने सिविलाइज थे, इतने अच्छे थे कि उस समय भी ये लोग नक्काशी और बड़े बड़े अच्छे अच्छे ब्रिक्स का यूज किया करते थे। जैसे आज के डेट में हम लोग टाइल्स मार्बल लगाते हैं, उस समय लोग ब्रिक्स से अच्छे अच्छे घर बनाया करते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिटी क्लासिफाइड इनटू अपर एंड लोअर पार्ट। यहाँ के जो शहर थे वो दो पार्ट में बटे हुए थे, एक अपर पार्ट में और एक लोअर पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस यूज्ड टू ओपन टुवर्ड्स द बैकयार्ड रेदर देन टुवर्ड्स द रोड। ओनली द डोर ऑफ लोथल सिटी हाउसेस ओपन टुवर्ड्स द मेन रोड। जैसे कि अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक चीज और देखा गया, वहां के जो दरवाजे और जो खिड़कियां थी वो मेन रोड की तरफ ना खुलकर बल्कि पीछे की ओर खुला करती थी। ठीक है, जो डोर्स और विंडोज थे उस समय के वो लोग मेन डोर पे मेन गेट मेन मतलब मेन रोड पर ना खोलकर वो पीछे की ओर खोला करते थे। और इसका एक एक्सेप्शन कहां पर देखा गया है, लोथल सिटी में, और लोथल सिटी में ये देखा गया है कि वहां के जो विंडोज हैं वो मेन रोड पर खुला है। ठीक, यहां तक सारे पॉइंट्स को आपको क्लियर होगा। अगला जो पॉइंट है कि मैंने आपको बताया कि यहां के जो सिटी थे वो दो पार्ट में क्लासिफाइड थे, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट को फोर्टिफिकेशन किया गया था। ठीक है, जितने भी साइट्स आपको देखने के लिए मिलेगा वो सारे अपर वाले पार्ट जो थे वो फोर्टिफिकेशन किया हुआ था, यानी किलेबंदी किया हुआ था। लेकिन कालीबंगन एक ऐसा जगह दिखने को मिला है जहां पर फोर्टिफिकेशन अपर और लोअर पार्ट दोनों में किया गया था। किलेबंदी इसलिए किया करते थे लोग कि पहले के जमाने में किलेबंदी इस तरीके से कर देते थे ताकि बाहरी लोग से वहां पर हमला ना हो सके, चोरी ना हो सके, गलत व्यवहार ना हो सके, इसलिए फोर्टिफिकेशन किया जाता था। तो वहां पर देखा गया है कि अपर पार्ट में सारे जगह फोर्टिफिकेशन हुए हैं, लेकिन कालीबंगन एक ऐसा जगह था जहां पर अपर और लोअर पार्ट दोनों जगह क्या था, फोर्टिफिकेशन किया हुआ था। ठीक है, यहां तक सारे पॉइंट्स को मैंने क्लियर कर दिया। पहला पॉइंट है कि लोग ग्रिड सिस्टम का प्रयोग करते थे, स्ट्रीम लाइन ड्रेनेज सिस्टम था, ये लोग क्ले और ये लोग ईंट और ऑर्नेट ब्रिक्स का प्रयोग करते थे। क्लास सिटी जो था वो दो पार्ट में बटा हुआ था, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। और पांचवा जो हम लोगों ने पढ़ा कि डोर और विंडो जो था वो मेन रोड की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलता था, जिसका एक्सेप्शन हम लोगों ने लोथल सिटी को देखा है। और अपर पार्ट जो थे वो फोर्टिफिकेशन किया हुआ हर साइड्स का मिला है, जिसमें एक एक्सेप्शन आपको कालीबंगन को देखने को मिला है। यहां तक सारे पॉइंट्स को मैंने आपको क्लियर बता दिया। ठीक, और एक जो है मोहनजोदड़ो से एक लार्ज ग्रेट बाथ मिला, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल देखने को मिला है। कहां से, मोहनजोदड़ो से। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि लार्ज ग्रेट बाथ जो है वो कहां से मिला, आपको ऑप्शन दे देगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा और राखीगढ़ी। तो उसमें आपको आंसर क्या करना है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा। अब यहां पर एक चीज आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कहीं पर कालीबंगन है, कहीं पर मोहनजोदड़ो है, तो उसको याद कैसे किया जाए। तो मैं इसका भी सॉल्यूशन लेकर आया हूं वीडियो के अंत में, एक बिल्कुल बेहद अच्छे तरीके से पूरा जो वीडियो पढ़ा रहा हूं उसका एक चार्ट लेकर आया हूं। उस चार्ट को आप देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, कालीबंगन एक जगह, हड़प्पा एक जगह, मोहनजोदड़ो एक जगह, सारे चीज को अलग अलग करके समझाने की कोशिश किया हूं। वो वीडियो को लास्ट में सिर्फ उसको याद करने के लिए उसको मैं उस तरह से बनाया हूं। चलिए, अब हम जो बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कृषि और पशुपालन के वहां पर क्या क्या साधन थे, वो लोग किस तरीके से कृषि करते थे और एनिमल हस्बेंड्री का क्या क्या काम करते थे। तो पहला जो वहां से एक चीज मिला है प्लोइंग फील्ड। ठीक है, प्लोइंग फील्ड होगा, थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है। प्लोइंग फील्ड मतलब होता है जुते हुए खेत,
जुटे हुए खेत का जो हम लोग को इविडेंस मिला है वो कालीबंगन से मिला है, ठीक है। यानी कि वो लोग कृषि वगैरह करना शुरू कर दिए थे, खेती वगैरह करना शुरू कर दिए थे, तभी तो वो लोग वहां से प्लोइंग फील्ड्स का आपको साक्ष्य मिला है। और ये लोग मेजर क्रॉप्स में दो चीज का प्रयोग करते थे, पहला व्हीट और दूसरा बार्ले, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मेजर क्रॉप्स में व्हीट और बार्ले का प्रयोग किया करते थे और राइस का, ठीक है। इविडेंस ऑफ राइस फ्रॉम लोथल एंड रंगपुर, जो चावल के जो इविडेंस मिले हैं वो कहां से मिला है, लोथल से और रंगपुर से देखने को मिला है। और नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेनरी। ग्रेनरी मीन्स होता अन्नागार, जहां पर एक बहुत बड़ी कोठी होती है। पहले के जमाने में आपके घर में देखे करते थे कि आप यहाँ कोठी हुआ करती थी जहां पर चावल भरे होते थे, गेहूं भरा जाता था, तो ग्रेनरी भी देखने को मिला है, ठीक है। यहां तक एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल हस्बेंड्री, यानी पशुपालन में लोग किसका प्रयोग करते थे, तो पशुपालन में लोग बुल और बफेलो को पाला करते थे, ठीक है। और साथ ही साथ यहां से हॉर्स इविडेंस देखने को मिला, यानी घोड़े का साक्ष्य भी मिला है। ये तीन जगह से मिला है, सुरकोटदा, लोथल और कालीबंगन से। लेकिन अगर एग्जाम्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि हॉर्स का एविडेंस कहां से मिला है, अगर ऑप्शन में सुरकोटदा, लोथल और कालीबंगन तीनों दिया है, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, सुरकोटदा को देना है। इस बात को ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अभी इसको नोट डाउन कर लो, इतना आपको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लो, नहीं तो सभी लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओगे तो बाद में अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना, नहीं तो साथ साथ अगर नोट्स बनाते रहो तो सबसे बेहतर बात है। यानी कि एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के रूप में वहां से जुटे हुए खेत मिले हैं, मेजर क्रॉप्स में लोग वीट और बार्ले का प्रयोग करते थे, चावल के जो एविडेंस मिले वो लोथल और रंगपुर से मिले हैं, एक बहुत बड़ा ग्रेनरी देखने को मिला है, और एनिमल हस्बेंड्री के रूप में ये लोग बुल और बफेलो को पाला करते थे, ठीक है, आज भी हम लोग बफेलो को पाला करते हैं, और हॉर्स इविडेंस जो मिला है वो सुरकोटदा, लोथल और कालीबंगन से देखने को मिला है। यहां तक हर एक पॉइंट्स मैंने कवर कराने की कोशिश किया हूं और आशा करता हूं कि यहां तक तो सारे चीज आपको क्लियर होंगे। चलिए अब यहां से हम लोग बात करेंगे, अब हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, तो हम लोगों ने उसके अर्बन कैरेक्टरिस्टिक को देख लिया, हम लोग उसके एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के कैरेक्टरिस्टिक को देख लिए, अब हम लोग इसको रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, ठीक है। इस इंडस वैली सिविलाइजेशंस के क्या क्या रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक थे, पहला यहां पर यह था कि यहां पर मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले, नो रिमेन्स ऑफ टेम्पल, किसी भी तरह का यहां पर मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना, ये जो है मैट्रियरकल सोसाइटी था, यानी ये लोग यहां पर मातृसत्तात्मक समाज था, यानी वहां पे महिलाओं को विशेष तौर पे डिसीजन लेने का हेल्प मतलब मौका मिलता था। जैसे कि आज के डेट में क्या है, आज के डेट में हर एक जो है वो पुरुष ही घर का डिसीजन लिया करते थे, जितने आज के डेट में लिया करते हैं, पहले के समय में महिलाएं हेड होती थी और महिलाएं ही घर के सारे डिसीजंस को लिया करती थी। और यहां से ट्री वर्शिप एंड शिवा वर्शिप, दो भगवान की पूजा का वहां पर एविडेंस मिला है। पहला ये लोग भगवान शिव की पूजा करते थे और दूसरा ये लोग ट्री की पूजा करते थे। आज भी हम लोग ट्री की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, आप लोग देखते होंगे आपके घर में पूजा पाठ होता होगा तो हमारे चाचा दादा सॉरी चाची मम्मी ये लोग क्या करती है, इविडेंस के रूप में ट्री का पूजा करती थी, बरगद का पूजा करती थी, अभी आपको याद होगा। और साथ ही साथ बियर्डेड प्रिस्ट, एक दाढ़ी वाला पुरोहित के वहां से इविडेंस मिले हैं, ठीक है। तो कहां से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो मोहनजोदाड़ो से देखने को मिला है। इसके अलावा हम्प्ड बुल, हम्प्ड बुल का मतलब होता है कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाले सांड का भी प्रयोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिला है। फायर पिट यानी कि होता अग्निकुंड, अग्निकुंड यहाँ मतलब हो गया कि वो लोग यज्ञ वगैरह किया करते थे इसलिए वो लोग अग्निकुंड का प्रयोग करते थे। वहां से स्वास्तिक के साइन देखने को मिला है और साथ ही साथ वहां से पशुपतिनाथ के एक सील देखने को मिला है, मुहर देखने को मिला है, जिसमें एलिफेंट, राइनो, चीता और बफेलो के चारों तरफ उसमें साइन बने हुए हैं। तो ये चारों जानवर का जो नाम है वो याद रख लेना, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए पशुपतिनाथ का सील में इनमें से किन का पिक्चर नहीं था, एलिफेंट, राइनो, चीता या फिर टाइगर, तो वहां पर ऑप्शन में आपको टाइगर कट जाएगा, एलिफेंट, राइनो और चीता बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसी में
इसी में अभी रिलीजियस करेक्टरिस्टिक खत्म नहीं हुआ, एक पॉइंट यहां पर और हमें देखने को मिलेगा फ्यूनरल के बारे में। फ्यूनरल का मतलब होता है जब कोई देहांत हो जाता है तो उसके बॉडी को क्या किया जाता है। हिंदू धर्म में बॉडी को जलाया जाता है, मुस्लिम धर्म में बॉडी को दफनाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर तीन तरह के फ्यूनरल्स की बात की गई है। पहला जो है बर्निंग बॉडीज, यानी कि बॉडीज को जलाया जाता था मोहनजोदारो में, बॉडी को दफनाया जाता था हड़प्पा में, और पेयर टॉम, यानी पेयर टॉम मतलब कि पति और पत्नी को एक ही साथ जमीन में दफनाने का जो साक्ष्य मिला है वो लोथल और कालीबंगन से मिला है। यानी पति और पत्नी को एक ही साथ एक ही जगह पर दफना दिया जाता था। पहले के जमाने में होता यह था कि जब पति मर जाता था तो पत्नी को पति के साथ ही उसमें वहां पर दफना दिया जाता था। पहले के समय बहुत कुरीतियां थी। अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, अगर हम लोग जब वैदिक सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो उसमें जब लेटर वैदिक पीरियड हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर देखिएगा कि वहां पर महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होने लगा था। और साथ ही साथ एक चीज और बता दूं कि हमारे देश से महिलाओं के साथ कभी भी उस तरीके से प्रॉपर व्यवहार नहीं किया गया है। अब तो लोग पढ़े लिखे हैं तो अब तो ठीक ठाक हो गया है, अभी भी बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं है जो महिलाओं के साथ गलत अत्याचार करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, ठीक है। आपको बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग प्रोस्टिट्यूशन में लगे हुए थे, उस समय की महिलाएं जी थी वो प्रोस्टिट्यूशन में लगी हुई थी। तो आपको बता सकते हैं कि हमारा जो भारत का इतिहास ही इतना गंदा रहा है, अलग तरीके से रहा है, उसी समय से लोग प्रोस्टिट्यूशन, कर्टेन सिस्टम, ये सब चला आ रहा है। तो अब जो हमारा भारत जो अब तो पढ़ा लिखा है तो लोग पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो धीरे धीरे इस कल्चर को दूर कर रहे हैं। खैर चलिए, राजनीतिक बातों पर हम यहाँ पर बहस नहीं करेंगे, नहीं तो कमेंट आ जाएगा 25 लोगों का कि सर आप राजनीति, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब हम लोग बात करने वाले ट्रांसपोर्टेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कि वो लोग ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के रूप में क्या क्या प्रयोग करते थे। तो पहले तो मैंने आपको बताया पोर्ट के बारे में, एक मैंने आपको पोर्ट बताया है कि पोर्ट यहाँ को देखने को मिला है। तो दो पोर्ट था, एक तो लोथल और सुरकोटदा, और ये लोग गाड़ी के रूप में, जैसे आज हम लोग कार, ट्रक, बहुत तरह से गाड़ी का यूज करते थे, बाइक का यूज करते हैं, वो लोग बुफेलो कार्ट और बुलॉक कार्ट का प्रयोग करते थे। यानी कि भैंस गाड़ी और बुल गाड़ी। बुलॉक कार्ट मीन्स होता है कि एक जानवर जो होता है पीछे से कार्ट टाइप का लगा रहता था, बैलगाड़ी टाइप का, उसमें लोग बैठ जाते थे, पीछे से सामान रख दिया जाता था और आगे से वो जो बुल है यानी बैल है वो खींचता था, ठीक है। अब तो ये देखने को नहीं मिलता है, पहले ये बहुत देखने को मिलता था, पहले मतलब यही था ही ट्रांसपोर्टेशन के रूप में। और यहाँ की जो सोसाइटी थी मैंने आपको बता दिया, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है कि इसका सोसाइटी में कर्टेन सिस्टम और प्रोस्टिट्यूशन था, यानी पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति इंडस वैली सिविलाइजेशंस में हुआ करते थे। और मोहनजोदाड़ो से ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसर्स के एविडेंसेस मिले हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी तक हम लोग अब बहुत चीज पढ़ लिए, लेकिन अभी लोग इनके लाइफ स्टाइल्स के बारे में जरा सा देख लिया जाए कि अब देखो पूरे मैं हिस्ट्री को जो पढ़ा रहा हूं आपको वो लूसेंट्स के बुक्स का हेल्प लिया हूं, ठीक है। और एक चीज कोशिश किया हूं कि बहुत कंसाइज वे में नोट्स आपको दे पाऊं, और दूसरा चीज अलग अलग तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाने की कोशिश किया हूं। अब इसके लाइफ स्टाइल्स की बात किया जाए तो ये लोग लाइफ स्टाइल्स में वहां पर बियर्डेड फैक्ट्री को देखने को मिला है। बियर्डेड फैक्ट्री का मतलब होता है जहां पर कारखाने बनाए जाते थे, मतलब चूड़ी वगैरह बनाई जाती थी, श्रृंगार का सामान बनाए जाते थे। तो वे लोग लाइफ स्टाइल्स में बियर्डेड फैक्ट्री को देखने को मिला है जो लोथल और चन्हुदरो से देखने को मिला है। कहां से? लोथल और चन्हुदरो से, ठीक है। चलिए उसके बाद कॉटन एंड वुलन क्लॉथ का ये लोग प्रयोग करते थे। ये लोग इंटरटेनमेंट के लिए डाइस और हंटिंग का प्रयोग करते थे, यानी पासा खेलते थे और शिकार करते थे। और ये लोग स्वीटनेस के लिए, आज जैसे हम लोग शुगर का प्रयोग करते थे, वे लोग स्वीटनेस के लिए हनी का प्रयोग किया करते थे। और यहां पर तलवार के किसी भी तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे मेजरमेंट के रूप में आज हम लोग केजी का यूज करते हैं, लीटर का यूज करते हैं, उस समय वो लोग मेजरमेंट के रूप में 16 रेशियो का प्रयोग करते थे। लेकिन ये 16 रेशियो होता क्या, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमें नहीं लेना है, बस ये पॉइंट याद रखना है कि मेजरमेंट के रूप में ये लोग 16 रेशियो का प्रयोग किया करते थे, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता दे रहा हूं, 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, यहां से फिर हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा। एक मैं चार्ट आपको दे दूंगा। पहला है कि लार्जेस्ट साइट्स अगर आपसे पूछेगा तो आपको बोलना है राखीगढ़ी और मोहनजोदारो, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, मोहनजोदारो होगा। और दूसरा जो पॉइंट है, द मोस्ट इफेक्टिव कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फ्लड। कहा जाता है कि
जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग खेती करना शुरू कर दिए, कल्टीवेशन शुरू कर दिए, तो वो लोग पेड़ों को काटना शुरू किए। जब पेड़ अच्छे मात्रा में लोग काटना शुरू किए, अच्छे अच्छे बहुत ज्यादा पेड़ यहां से वहां पेड़ कट गया, तो एक बार बाढ़ आया, और बाढ़ आने के बाद जो नदी, बाढ़ हमेशा वहां आया करता था, लेकिन एक बार ऐसा बाढ़ आया जिसके कारण से जो जो मिट्टी का कटाव थी वो पूरे पानी में गिर गई, क्योंकि पेड़ तो सारे काट दिए गए थे, बहुत सारे पेड़ काट दिए गए थे, इसके कारण से बाढ़ का एक भयावह रूप ले लिया और पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को समाप्त करके ले गया। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ जितना लगाइए, नहीं तो आपको कोरोना के टाइम में आपको ये दिखा ही होगा कि हम लोग नेचर से अगर गलत व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी गलत व्यवहार हो सकता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने जन्मदिवस पर एक पेड़ जरूर लगाएं, और उस पेड़ को बहुत दिन नहीं तो एक साल तक उसका सेवा करिए, और एक साल बाद उस खुद आपकी सेवा करना वो शुरू कर देगा। इसके बाद हम लोग एक पॉइंट और पढ़ेंगे कि एक पिगट नाम का व्यक्ति ने यह कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ट्विन कैपिटल है किसी वास्ट एम्पायर का। ठीक, ये भी पॉइंट्स को याद रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पा कल्चर हैव बीन डिस्कवर्ड इन गुजरात आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत के स्वतंत्रता के बाद मेजर जो हड़प्पा कल्चर के जो साइट्स डिस्कवर किए गए हैं वो गुजरात में किए गए हैं। कहां पर किए गए हैं? गुजरात में किए गए, और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहां से क्वेश्चन आपको बनते हैं। चलिए, और एक छोटा सा और है, द सॉइल बेक्ड इन फायर कॉल्ड टेराकोटा, पक्की हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है, जिसकी हम लोग एविडेंस बनावली से मिला है, बनावली से। ठीक है, बनावली से। तो ये रहा पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब मैं एक चार्ट के रूप में आपको बोला था कि लास्ट में मैं आपको पूरा समझाऊंगा। अब ये जो चार्ट जो दिख रहा है, इस चार्ट को पूरे डिटेल से आपको याद होने चाहिए। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था? ग्रेनरी मिला था, ग्रेट बाथ मिला था, पशुपतिनाथ सील मिला था, डांसर आइडल मिला था, एविडेंस ऑफ बर्निंग बॉडीज मिले थे, और बियर्डेड प्रीस्ट मिले थे, यानी कि दाढ़ी वाले पुजारी मिले थे। इसके बाद हड़प्पा से हमें दो चीज देखने को मिला है, अ हॉर्न एनिमल सील, और दूसरा हो गया आपका स्टैच्यू ऑफ मदर गॉडेस। हॉर्न एनिमल सील का मतलब होता है एक श्रृंगी पशु वाला मुहर, यानी कि हड़प्पा से एक ऐसा मुहर मिला था जिसपे एक एक सिंह वाले पशु का पिक्चर्स होगा, और दूसरा हम लोगों ने स्टैच्यू ऑफ मदर गॉडेस भी, मातृदेवी की पूजा हम लोग किया करते थे हड़प्पा में, तो ये चीज को याद रखना है। तीसरा है सुरकोटदा से, सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि यहाँ से घोड़े के रिमेंस मिले हैं, यानी घोड़े के जो बॉडीज है, रिमेंस मतलब अस्थि पंजर जो होता है वहां पर देखने को मिला, जिसके कारण से सुरकोटदा में ये कहा गया है कि यहाँ पर घोड़े का एविडेंस यहीं से मिला है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं कालीबंगन से, कालीबंगन से आपको फायर पिट यानी कि अग्निकुंड, बैंगल फैक्ट्री, या फिर पेयर टॉम, यानी पेयर टॉम का मतलब होता है एक साथ पति पत्नी को जो दफनाया गया था, प्लोइंग फील्ड्स और ऑर्नेट ब्रिक्स। मैंने आपको बताया था कि ऑर्नेट ब्रिक्स का ये लोग प्रयोग करते थे। उसके बाद हम लोग लोथल से में ये देखना है कि यहाँ से पोर्ट्स मिले थे, एविडेंस ऑफ पैडी एंड यहाँ से एविडेंस ऑफ पैडी एंड हॉर्स नहीं होगा, बल्कि यहाँ से होगा पैडी एंड राइस होगा। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक कर दिया गया, काफी ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक वीडियो में देखने को मिल रहा है, इसको आप लोग ठीक कर लेंगे, एविडेंस ऑफ पैडी एंड राइस। इसके अलावा फायर पिट यानी अग्निकुंड, पेयर टॉम यानी युगल सावधान, और बीड फैक्ट्री देखने को मिला है, और लास्ट है धोलावीरा, धोलावीरा से स्टेडियम देखने को मिला है। तो ये रहा पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, आपको मैंने बेसिक जानकारी देने की कोशिश की, डिटेल जानकारी देने की कोशिश की, और मेरी यही कोशिश थी कि अब जो है आपके कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही स्टैंडर्ड नोट्स के रूप में मैंने इसको दिया हूँ, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपको आज के आज इसको नोट डाउन कर लेना है, और आज के आज याद कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन, जो हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सभी लोग एक बार जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सभी लोग रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचे और आपको भी नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे मिल जाए, और शेयर जरूर करना है। बहुत मेहनत से वीडियो को बनाता हूं, तो थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना है, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।